पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हाउ टू हाइड द एसएसआईडी और व्हाट इज द पर्पस टू हाइड एसएसआईडी, व्हाट द बेनिफिट टू हाइड द एसएसआईडी। अगर हम एसएसआईडी को हमें ब्रॉडकास्ट कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू कनेक्ट विद हिडन एसएसआईडी। आपने हाइड तो कर दी या आप कहीं पे गए, आपको वो हाइड एसएसआईडी, आपको नहीं पता कि क्या एसएसआईडी चल रही है, तो हाउ यू विल कनेक्ट ऑन दैट एसएसआईडी। सो फ्रेंड्स, आ गया हूं मैं अपने घर के एयरटेल के ब्रॉडबैंड राउटर में। यहाँ पर हमने बात की थी कि ये मेरी एक एसएसआईडी है जो है केब्रोसिस 2.4। इसको मैंने हाइड की हुई है और हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर ये एसएसआईडी शो नहीं कर रही है। ठीक है, देखिए ये एसएसआईडी हमें यहाँ पर शो नहीं कर रही है। ठीक है, ये दूसरी एसएसआईडी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना आप। इस पे केब्रोसिस 2.4 के नाम से कोई भी एसएसआईडी आपको शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हमें कैसे कनेक्ट होना है। अगर अब इसके दो दो रीजन दो तरीके हैं। ये आप कहीं पे जाते हैं, किसी कॉपी नेटवर्क में जाते हैं, आपको एसएसआईडी नहीं दिखती है, आप आके आईटी जो इंजीनियर है, आईटी मैनेजर है, उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या एसएसआईडी चल रही है, मुझे आप एसएसआईडी नाम और पासवर्ड उसका दे दीजिए, वो आपको दे देगा, आप कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन मान लो आपके घर में कोई आया है या आपके घर में कोई एसएसआईडी अपने घर के ब्रॉडबैंड राउटर में है, आप उसको कनेक्ट करना चाहते हो, तो कैसे कनेक्ट होगा। आप भी अगर कनेक्ट करना चाहते हैं अपने घर के नेटवर्क में, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको जाना है, यहाँ पर जब आप वायरलेस में जाते हैं तो यहाँ पर आता है आपको हिडन नेटवर्क। ठीक है, ये अगर आप यहाँ देखेंगे आपको आएगा ये हिडन नेटवर्क। जैसे आप हिडन नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पूछेगा कनेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, नहीं पता हमें क्या पासवर्ड है, वो बोलेगा कनेक्ट। यहाँ पूछेगा वो एसएसआईडी का नाम, तो यहाँ पर जो एसएसआईडी है, जो KBRoC 2.4 या कोई भी एसएसआईडी हो सकती है आपके घर की, आपको वो यहाँ पर एसएसआईडी का नाम डालना है। और जैसे आप नाम डालोगे वैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे और पासवर्ड मांगेगा और उसके बाद आप कनेक्ट हो जाओगे। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, वाईफाई में आप जाओगे, यहाँ पर आएगा शो अवेलेबल नेटवर्क, यहाँ पर आपको वो पास एसएसआईडी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वापस यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आप वाईफाई पे जाओगे, यहाँ पर आ रहा मैनेज नॉन नेटवर्क। देखिए यहाँ पर आपको वो एसएसआईडी नहीं दिख रही, आपको क्या करना है, एड ए न्यू नेटवर्क पे जाना है, यहाँ पर आपको ऐड नेटवर्क करना है। तो ऐड नेटवर्क जब कर लोगे, यहाँ पर आपको आपके एसएसआईडी का नाम देना है, जो भी आपकी सिक्योरिटी यहाँ पर लगी हुई है वो सिक्योरिटी लगानी है, और आपको कनेक्ट ऑटोमेटिकली या कनेक्ट इवन इफ द नेटवर्क इज नॉट ब्रॉडकास्टिंग। देखिए ये ऑप्शन आपको देता है कि कनेक्ट इवन इफ दिस नेटवर्क इज नॉट ब्रॉडकास्टिंग, मतलब अगर वो एसएसआईडी मेरी हाइड भी है तब भी आप इस पे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर ये एसएसआईडी आपकी ब्रॉडकास्ट नहीं है और हाइड है तब भी आप इस पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप दोनों उसको क्लिक कर देते हो तो ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर एसएसआईडी डालेंगे, सेव करेंगे, वो एसएसआईडी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। यह है दूसरा तरीका। तो हम जाते हैं पहले तरीके से जो कि इजी है। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। हो सकता है कि बीच में ये मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं, बट हम कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे इसको। तो मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर मैं जाऊंगा, यहाँ पर मैं हिडन पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, यहाँ पासवर्ड मैं यहाँ पर डालता हूँ एसएसआईडी। ठीक है, मैंने यहाँ पर एसएसआईडी डाल दी है, मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, पासवर्ड मांगेगा मेरे से। ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैं नेक्स्ट करूंगा। अब देखिए वो नेटवर्क को ढूंढ रहा है। अभी वो नेटवर्क को सर्च कर रहा है। इट विल टेक सम टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कनेक्ट हो गए हैं 2.4 से। अपने आप देखोगे केब्रोसी 2.4 यहाँ पर एसएसआईडी है, सेम एसएसआईडी से हम यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या करना है, अब आपको ये एसएसआईडी, क्योंकि आपने मैन्युअली ऐड कर दी है, अब आपको शो होगी, बट कोई नया जो यूजर आएगा उसको अभी भी शो नहीं होगी, सिर्फ आपको शो होगी। अब आप जब राइट यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, वाईफाई पे जाएंगे, शो अवेलेबल नेटवर्क करेंगे, तो नाउ यू कैन सी दिस, सी दिस। आपको जो प्रांट वो तो दिख रही है 5G वाले, क्योंकि वो तो ब्रॉडकास्ट है, बट अब आपको ये भी दिख रही है। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, अब आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ। नाउ व्हाट वी कैन चेक, अब मैं इस पे जाके अपनी पुरानी वाली एसएसआईडी पे कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ अपनी पुरानी वाली एसएसआईडी पे जिससे मैं कनेक्टेड था, मैं उससे कनेक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी पुरानी वाली एसएसआईडी से आ गया, जो मेरी एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट थी। अब क्या, अभी क्या मुझे ये दिखेगी या नहीं दिखेगी,
देखते हैं। अब मुझे ये दिखेगी, क्यों दिखेगी? क्योंकि ये आपके जो नेटवर्क था उसमें सेव हो गई है। दिखा देता हूं आपको वापस जाके। जैसे आप यहां पर वाईफाई करते हैं, आप यहां पर शो अवेलेबल नेटवर्क करते हैं, यहां पर आपको ये दिखेगी, ठीक है? एक एक ऑप्शन तो ये, क्योंकि आपने सेव कर ली, कहां पर सेव कर ली? जैसे आप वाईफाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे मैनेज नॉन नेटवर्क, ठीक है? यहाँ पर आपको दिखेगा केबल ऑफ 2.4 इज एडेड, यहाँ पर आपका मैनेज नेटवर्क में वो ऐड हो गई है। जैसे आप इसको फॉरगेट कर देते हैं, अब आपने इसको फॉरगेट कर दिया है, आप देखते हैं सी नाउ इट्स नॉट शोइंग, ठीक है? क्योंकि हमने आपके वहां से सेव जो नेटवर्क था वहां से हम इसको हटा चुके हैं। तो ये प्रोसेस है आपका SSID पे कनेक्ट होने का। कई बार क्या होता है कि एक बार जब आप सेव कर लेते हैं नेटवर्क, तो वो आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन सेव कर लेता है, तो दिखा भी सकता है, बट 99% केसेस में आपका जो ये जो SSID है वो नहीं दिखाता है, क्योंकि आपके वो फॉरगेट कर चुके हो आप, ठीक है ना? तो ये एक ऑप्शन है जब आपको हाइड नेटवर्क पे कनेक्ट होने का। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की है कि हाइड नेटवर्क पे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और क्यों हमें नेटवर्क हाइड करके रखना चाहिए अगर हमारे घर का नेटवर्क है तो, दैट इज फॉर सिक्योरिटी पर्पज एज वेल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडी, पढ़ते रहें एंड टेक केयर।